सर आज आपके लिए मैं तरबूज लेके आया हूँ, तरबूज खाते हैं अपन। अरे वाह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आपको पता है मार्केट में इस समय धड़ल्ले से केमिकल से पकाए हुए तरबूज बिक रहे हैं, जिनसे कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। हम पहचानते हैं, आपको तरीका बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा तरबूज है जो आपको नहीं खाना चाहिए, कौन सा तरबूज है जो आपको खाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये जो तरबूज है, तरबूज जब खेत में पकता है तो ऐसे पड़ा होता है, यहाँ पीले कलर का स्पॉट आ जाता है, और इस स्पॉट के आने का मतलब है कि ये तरबूज नेचुरल तरीके से खेत में पका हुआ है, इसको हम खाएंगे। लेकिन ये जो तरबूज है, अगर इसको देखें, इसमें कहीं पीला धब्बा नहीं है। इसका मतलब है कि ये तरबूज केमिकल से पकाया हुआ है, इंजेक्शन लगा के या दवाइयां लगा के, और ये आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां दे सकता है। तो इस टाइप के तरबूज को नहीं खाना है। मैं आपको तीन तरीके बताता हूं कौन से तरबूज खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जब आप तरबूज को कट करते हैं और कट करने पर अगर अंदर जो रेड कलर का मांस है अगर वो कटा हुआ है, तो ऐसे तरबूज को बिल्कुल भी नहीं खाना है, फेंक देना है तुरंत। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप तरबूज को काटते हैं और थोड़ा सा तरबूज का जो रेड कलर का पीस है, अगर आप उसको लेके एक गिलास पानी में डाल दें और पानी में रेड कलर तुरंत आ जाता है, ऐसे तरबूज को भी आपको नहीं खाना है। ऐसे तरबूज आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां देते हैं। और इस मैसेज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच सके।